बक्सर जिले में धनतेरस को लेकर झाड़ू की बम्पर बिक्री का अनुमान लगाया जा रहा है। शहर में हर तरफ दुकानें सज गई है। वहीं कुछ लोगों का झाड़ू का पुश्तैनी व्यवसाय है, जो इस बिजनेस से अच्छी कमाई करते आ रहे हैं। दरअसल इस साल झाड़ू बिक्री को लेकर अच्छी कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर दुकानदारों ने पूरी जानकारी दी है। दुकानदारों ने लोकल 18 से बताया कि इस साल धनतेरस और बक्सर में शहर में 15 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के झाड़ू उपलब्ध है। दुकानदार गणेश जायसवाल ने बताया कि धनतेरस पर इस साल लोगों के लिए लगभग 30 प्रकार के झाड़ू उपलब्ध है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार 15 से 20 ट्रक झाड़ू धनतेरस पर बिक्री होगी, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का पुराना विधान है। बताया जाता है कि ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। 30 से लेकर 80 रुपए तक झाड़ू बा, फूल झाड़ू 80 रुपए के बाद, 60 रुपए के बाद, सिर्फ झाड़ी 30 रुपए के बाद, 40 रुपए के बाद, 50 रुपए के बाद। झाड़ू का बिक्री इस बार बम्पर है, मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग है। मान के चले पहले से ज्यादा दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है सेल। कोई 1000 बेचता है, कोई ट्रक बेचता है, कोई 4 ट्रक 5 ट्रक माल खपा देता है बक्से जिले। नारायण बारे में थोड़ा बताइए बाबा। धन त्रयोदशी इस बार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो इस व्रत को और इस त्यौहार को अर्थात धन त्रयोदशी को शास्त्रों के अनुसार, ऋषि महर्षियों के अनुसार, इस तिथि के दिन लक्ष्मी की उपासना की जाती है। साथ ही उस दिन चांदी का पात्र, सोने का पात्र या लक्ष्मी उपासना के विशेष करके झाड़ू इत्यादि यदि या कोई पात्र लिया जाए तो उसमें धन की वृद्धि होती है और प्रायः सभी प्रकार के मनोकामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है। अतएव धन त्रयोदशी का महत्व अपने आप में शास्त्रों के अनुसार वितरण किए बताया गया है। अतः इस व्रत पर, इस त्यौहार पर, इस कार्य को करने से घर में लक्ष्मी की माता की कृपा होती है, साथ ही धन धन वैभव की पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है। अतएव इस दिन, इस तिथि को प्रायः सभी लोग, जितने भी भक्तगण हैं, इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे तो समस्त साल अर्थात 1 साल पर्यंत जो है उनके लिए धन धान्य के लिए पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाली होगी। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। अच्छा बाबा, कब खरीदारी वगैरह करेंगे लोग? सायंकाल में ही इस व्रत को करने का और खरीदने का विशेष महत्व और मुहूर्त होता है, तो इस कार्य को करने के लिए 4:54 सायंकाल से लेकर के और 9:58 के अवधि के अंतर्गत यदि लिया जाए, विशेष करके एक मुहूर्त दिन में दोपहर भी आता है तो विशेष करके 3 बजे के आसपास भी एक मुहूर्त है जो कि उसमें इस को खरीदा जाए तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। विशेष काल के गोधली में लिया जाए तो वह 5 और 6 के बीच में भी लिया जाएगा तो वह भी श्रेयस्कर और लाभप्रद होगा। अच्छा बाबा, इस दिन कुछ पूजा वूजा करने के लिए आप कुछ मंत्र वगैरह भी देंगे क्या? अब जिसे पूजा पाठ के लिए विशेष करके लक्ष्मी और गणेश की आराधना की जाती है, जत्र तत्र कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन आया है कि कुबेर और धनद की भी पूजा करने से कई प्रकार के लाभ लाभांश की संभावना प्रबल बन जाती है। अतः इसमें लक्ष्मी, गणेश, कुबेर इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करने से धन धान्य की पूर्ण रूप से समृद्धि बनती है, अतः इसकी पूजा श्रेयस्कर और लाभप्रद हो जाता है। आपका परिचय बाबा? मेरा नाम आचार्य संजय शास्त्री, बक्सर।